श्रृंगार करना अगर मन पवित्र नहीं होगा तो तुम पवित्र नहीं हो सकते। अगर मन पवित्र होगा ना तो समुद्रों से न हो, लेकिन वह उसका तेज उसका मन निर्मल लगेगा, वो अच्छा लगेगा, बिल्कुल अच्छा। मीरा जी कोई श्रृंगार करते थे या सुखदेव स्वामी वस्त्र पहनते थे, लेकिन उनका तेजस मन उनका तेज ऐसा चमकता था मानो कोई भी देख रही आकर्षित हो जाए ऐसा नहीं। लेकिन गोपियां भागी चली जा रही हैं और इस प्रकार गोपियां भागते भागते सारी गोपियां इकट्ठा हो गई, तो देखिएगा कितनी गोपियां हैं यहाँ, इन गोपियों के यूथ आए हैं यहाँ। और देखिए यूथ माने ऐसा बताया जा रहा है कि यूथ भी गणना करके देखी जाए अनुमान, तो एक यूथ में लाखों गोपियां, अब एक बात और लाखों माने लाख नहीं है, अब आप कहें कि लाख नहीं लाखों, अब लाख कहा जाता तो एक लाख माने, लेकिन लाखों माने तो 99 लाख ही होते, करोड़ तो नहीं कहा, लेकिन लाखों माने तो 99 से भी और ऊपर हो जाते हैं। लाखों एक युग में लाखों गोपियां और ऐसे ही हजारियों, हजार नहीं हजारियों युग महाराष्ट्र में आए हैं, हजारियों युग गोपियों के महाराष्ट्र में पधारे हैं और एक एक युग में अनुमानित लाखों लाखों गोपियां, लाखों गोपियां हैं। अब कितना बड़ा महाराष्ट्र उत्सव हुआ, बड़ा पावन है महाराष्ट्र उत्सव जो है ना, महापुरुषों ने वेदांतों ने हमारे जो ऋषिगण हुए उन्होंने राष्ट्राध्याय को कहना बंद कर दिया था, भागवत जी में कहा नहीं जाता था, क्योंकि जो लोग होते थे ना उसे श्रवण करने के बाद उसका आधार गलत लेते थे, इसलिए छोड़ दिया, क्योंकि ऐसे कहा जा रहा था भगवान की जो कथा है ना उसमें भी विशेष राश पंचाध्यायी है यह है ना, अगर इसे अपात्र को सुनाया जाए तो ठीक नहीं, लेकिन फिर अनुमानित किया, समझदार व्यक्ति हुए, समझने लगे, शिक्षित हुए, जानकारी मिली, धीरे धीरे से फिर प्रारंभ किया गया उसे, और वह बहुत छोटा बना करते, बहुत थोड़ा बना करते, क्योंकि रास तो वह पावन दिव्य धाम है, जहां वासना नहीं काम नहीं, जहां काम मुक्का स्वामी तो देव है ना काम देव, वह उल्टा लटकाया था इस मार्ग में मां रास स्थल ऐसा है। और मैं आपको बता दूं, देखिएगा गोपियां जो आई है ना, अब कितनी गोपियां थी ब्रजमंडल में, हमारे ब्रजमंडल के जो भाव में जितने भी ब्रजवासी 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 आपके थे जो कृष्णमय थे और सभी महाराष्ट्र में थे, ऐसा कोई नहीं था जो न हो, जो कृष्णमय है वही महाराष्ट्र में आया। और सुनो महाराष्ट्र में यह गोपियां शरीर से नहीं वस्त्रों से नहीं जीव के आधार से आई है, आत्मा के आधार से, क्योंकि जिस समय भगवान कामदेव आया सुंदर सुंदर गोपियों को देखा आ गया, कन्हैया जी को देखा आ गया, भगवान ने कहा तुम्हारा यहाँ क्या काम है भाई, तुम क्यों आए हो, कामदेव ने कहा जहाँ सुंदर पुरुष और सुंदर नारियां होती हैं वहां हमारा कार्य होता है, वहां हम आते हैं, तो यहाँ किस लिए आए, कामदेव ने कहा हम तुमसे युद्ध करना चाहते हैं और युद्ध में तुम्हें परास्त करेंगे, आज मौका मिल गया, हार गए थे ना आपको परास्त नहीं कर पाए, इसलिए अब परास्त करने का अच्छा मौका मिला, इसलिए यह चूक नहीं करेंगे, यह अवसर गवाएंगे नहीं, आज तो अवश्य ही परास्त करेंगे तुम्हें, भगवान ने कहा अच्छा हाँ भाई, के ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर कहा मुरली को जब बजाया कामदेव ने जब अपने पंच बाणों को साष्टांग करने के बाद जब छोड़ा तो गोपियाओं ने के मन को भगवान ने गोपी रूपी भाव को अपनी मुरली में बंद कर दिया, वासनाओं का परित्याग गोविंद के
जिंदगी उस आधार को वृद्ध राष्ट्र को महाराष्ट्र को वो कामदेव की वासना छू भी नहीं पाई। देखना तो बहुत बड़ी बात है, ऐसा होता है छू भी नहीं पाई तो कामदेव लटक गया परास्त कर दिया। भगवान को काम विजयी के नाम से जाना गया। लाखों करोड़ों गोपियों के सौंदर्यमय होने के बाद भगवान ने काम को परास्त किया है, क्योंकि भगवान ने कामदेव ने कहा था वहां रामा अवतार में एक जो एक मैं धर्म को पालन किया आपने और वहां भोले बाबा की तो समाधि को हमने बिगाड़ना चाहा, भजन को बिगाड़ना चाहा, इसलिए नष्ट हो गए और वहां एक नारी व्रत धर्म का पालन कर रहे थे, कुछ नहीं कर पाए अनुष्ठान व्रत। लेकिन यहाँ तो अनेक नारियां अनेक गोपियां सुंदर सुंदर मैं मन अब देखे हैं। ठाकुर जी ने लाखों करोड़ों गोपियों के सुंदर मय होने पर कामदेव को परास्त किया और परम योगेश्वर बने हुए परम योगी योगियों के महायोगी हैं भगवान कृष्ण गोविंद। एक बार बोलेंगे प्रेम से योगेश्वर भगवान जय। योगेश्वर ऐसे ही नहीं कहा जाता, वह योगेश्वर है और योगेश्वर नहीं परम योगियों के योगी भगवान कृष्ण। और देखिएगा मेरी बात चल रही थी कि गोपियों का भाव, वह गोपी वहां जो आई है ना वह गोपियां हैं, जो वह गोपी है जीव रूपी गोपियां, उनका शरीर या उनका वस्त्र वहां नहीं है, जीव रूपी गोपियां, क्योंकि वहां बड़ा सुंदर शब्द कहा है गोपी कौन है, गोपी कहते किसे हैं, गोपी उसे कहते हैं जो दसों दियों द्वार पर भक्ति रस का पान करने वाला जीव है वह गोपी होगी, जो केवल कृष्णमय है गोविंदमय है वह सब गोपी है केवल कृष्णमय। और संसार में उस जमाने में जो शायद है कृष्ण की भक्ति और कृष्णमय जिसका मन कृष्णमय समाया हुआ वो गोपी है, जिसे अपने का कोई ख्याल नहीं है, जो कृष्णमय भाव भाव है जिसका, जो दसों इंद्रियों द्वार पर अपनी पवित्र दसों इंद्रियों के द्वारा मन को ठीक बना करके मन को पवित्र बना करके भगवत कृपा में लगा हुआ है वह गोपी है। तो देखिएगा जब गोपियां इकट्ठी हो गई तो भगवान ने दास बड़ा पावन हुआ, भगवान ने गोपियों से कहा क्यों आई हैं आप यहां, गोपियों ने कहा क्यों आई हैं मतलब, भगवान ने कहा नहीं आई क्यों हूं रात्रि का समय ना इसलिए, गोपियों ने कहा ये कोई बात है पूछने की क्यों आई हूं, कन्हैया ने कहा बात नहीं है एक बात बताओ तुम्हारे घर पर सब कुछ सब तो है, गोपियों ने कहा हाँ ठीक है बच्चे ठीक है आपके, हाँ परिवार ठीक है ना, हाँ सासू माँ तुम्हारी लड़की तो नहीं, नहीं नहीं। तो फिर अर्धरात्रि के समय तुम एक कुलीन परिवार की सभी पतिव्रता नारी हो क्यों आई हो, क्यों निकल के आई है अर्धरात्रि के समय नारी का घर से निकलना अच्छा नहीं होता, ठीक नहीं होता, कभी भी नारी को अर्धरात्रि के समय घर से बाहर निकल के किसी भी परिस्थिति में नहीं जाना चाहिए, और तुम यहां तक आई हो घने जंगल में डर नहीं लगा तुम्हें, क्या कोई तुम्हारे गांव में आग लग गई थी, तुम्हारे घरों में आग लग गई है जिसके कारण वहां की आई हो, नहीं ऐसा नहीं, तो चोरों ने घेर लिया क्या, डाकुओं ने घेर लिया नहीं, तो फिर अगर रात्रि के समय निकलने का तुम्हारा क्या मतलब, जाओ जाओ अच्छा पति अच्छे नहीं लगते तुम्हारे, नहीं ऐसी ऐसी कोई बात नहीं, तो फिर क्यों आई हो जाओ ना, वो अब वो क्या फिर भी नहीं जा रहे हैं बैठी है, भगवान कह रहे हैं जाओ देवियों पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली माताओं का सबसे बड़ा नियम है बड़ा सुंदर घर यद्यान चिरं योष्टं सुसंसारपतिनं सती श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
और ये कुछ दानदाताओं के नाम हैं जो इसके बाहर हैं। शोर पे श्रीमान चौधरी ओमवीर सिंह के पोते धैर्य अछिजा खुर्द निवासी। शोर पे श्रीमान चौधरी रामपाल सिंह के पोते अनुरोधकर माधव निवासी अछिजा खुर्द। और 500 रुपए श्रीमान स्वर्गीय चौधरी जयप्रकाश सिंह के पुत्र रजनीश अच्छेजा निवासी कथा में दान कर रहे हैं। भगवान की श्रीमन कामना पूर्ण करें। बोले गोविंद भगवान की जय। बोलेंगे राधे। बड़ा सुंदर कहा है यार, पवित्र धाम। इसलिए तुम चले जाओ लौट करके, क्योंकि परिवार की पवित्रता नारियों का एक ही धर्म होता है। और वह होता है दुख सीलो दुर्भो व्रतो जड़ो रोग धनो पीवा पति स्त्री बिनम हातव्यो लोकम सुरभि पातकि। तुलसीदास जी भी तो कह रहे हैं इसमें बड़ी बात है, व्रत रोग बस जड़ धन ही ना अंग बदे क्रोधी हति दिया। ऐसे उपद करके अपमाना नार पाव यम पुर दुख नमा। प्रश्न करता है चाहे पति हमारे कैसे भी हैं, पति हैं तो उनका सम्मान करना हमारा धर्म बनता है। लेकिन आजकल के पति भी ना, क्योंकि बार 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 एक ही बात को कहो ना तो मैया क्या कर रही हो। पतियों के बारे में कह रही हो, हमारा कुछ धर्म नहीं है, हम इनका कोई कर्तव्य नहीं है। लेकिन पतिवत धर्म है, माताओं के लिए जितना है ना। अब सुनो, रामचरितमानस भी आपको उपदेश दे रही है। रामचरित जो मानस है यह क्या उपदेश दे रहा है? रामचरितमानस से सीखा जाए ना तो वह भी तो बता रहा है कि सीता जी पवित्र है, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाले हैं। तो राम जी क्या है? राम जी क्या है? जब फिर तुम देख रहे हो बोलो गोविंद भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। जान देना राम जी कैसे थे? माता सीता ने पतिव्रत धर्म निभाया तो राम जी ने भी पत्नी धर्म निभाया। अभी हमारे पुरुषों को भी ख्याल रखना चाहिए, नौजवान साथी भाई हमारे जो है इनको भी ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि तुलसी को दशरथ जी महाराज बड़ा बलिवान से कह रहे हैं, पर घर बहु लड़कनी आई राखी फलक नहीं। और ये 50 रुपए अमन और मोक्षपा, 500 रुपए मोहित और दीपा जी के लड़के मोक्ष गांव भादमा निवासी कथा मैदान कर रहे हैं। भगवान इनकी श्री मनोकामना पूर्ण करें। बोलिए गोविंद भगवान की जय। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, करहु वचन क्रम मत पति पद सेवा। ऐसा भाव तुलसीदास जी ने कहा है,
अपने पतिदेव के चरणों का पूजन प्रतिदिन नारी को करना चाहिए। अर्जुन महाराज मैया जी का जी सीधी है चरण जालने के बाद प्रातः शर्मा रहे मैं नहीं कह रहा। तुलसीदास जी कह रहे हैं जो हमारा इतिहास पुराण है यह सब साहस बता रहा है। अब मैया अब हमारे बड़े करेंगे तो छोटे भी करेंगे ना। प्रातः काल गालूंगा तो सास ससुर के जैसे पैर छूते ना तो माताओं को पति के भी चरण छूने चाहिए ऐसा कह रहे हैं। पतिव्रत धर्म पति पद सेवा बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए और हो सके तो चरण धो करके पति देवी का चरणामृत पीना चाहिए सारे रोग नष्ट हो जाएंगे। रोग तो होंगे ही नहीं। राम राम शरीर से तुम असर हो शरीर से सारे रोग नष्ट हो जाएंगे लेकिन ऐसा मत करना हमें परेशानी है। व्यास जी ने कहा था कि पति के पैर का अंश धो करके पिएंगे तो रोग निकल जाएगा। अब क्या है दो एक महीने पी के देख ले रोग निकल जाएगा ऐसे नहीं निकलेगा। वासनाओं को छोड़ करके वैसे तो रोग और अब रोग के लिए पति देव की आरती ओम जय पति देवा नहीं से अगर आधार बना लिया जाए पतिव्रत धर्म का पालन किया जाए वाकई में पवित्रता से अगर हकीकत बात है अगर पति के चरण धोकर के पीने वाली जो नारी है अगर जीवन में कोई कष्ट हो जाए कोई रोग हो जाए हमारा धर्म हमारा ग्रंथ तैयार है उसके पात्रों को सुनने के लिए पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन भावना अच्छा ठीक है पैर के काम उनका मत धोके हाँ ऐसे खेत पर चले जाए बिना जूतन के ऐसे घूमते रहे और इनके पैर को धोके पियो बताओ रोग खत्म होंगे कि और रोग आ जाएंगे चरण। लेकिन देखो भैया प्रातः जब जागो ना तो अपने पति के चरण स्पर्श जरूर किया करो अवश्य अच्छी बात है सदबुद्धि सदभावनाएं आती है अवश्य अच्छी जा रही इसमें कोई बुराई वाले किसी और के पैर छूने हो क्या अपने पति के पैर छूने में क्या आपत्ति है कोई परेशानी नहीं कोई संकट नहीं कोई कोई दिक्कत नहीं है सर्वस्व हमारे माँ बाप ने जिसको हमें समर्पण कर दिया उसके चरण छूने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए अवश्य छुआ करो गांठ बांध के रखो अभी इस बात को और जरूर आज से करना पति के केवल चरण स्पर्श करते करते ही लेकिन मन जब एक दो दिन तो ऐसा लगेगा शर्मा होगी तो जैसे अभी परीक्षित महाराज शर्मा रहे थे दो दिन चार दिन छह दिन दस दिन शर्मा को लेकर जब मन उनमें लग जाएगा चरण छूने में प्रतिदिन एक लगन बन जाएगी अवश्य फायदा भी होगा तुम्हें तो यश मिलेगा मेरी गारंटी ऐसा होता है ना दो महीने करने के बाद छह महीने छोड़े तो कोई फायदा ना है हाँ ऐसे नहीं करना लेकिन करते रहना जीवन पर्यंत जब तक के मर न जाओ तब तक करना है जब तक के मर न जाओ सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा कब तक सुननी है जब तक के आले यहाँ मर न जाओ और फिर जन्म लो तो फिर छुओ फिर जन्म लो तो फिर छुओ तब कल्याण होगा। या हमारे जो पाप है ना एक जन्म के फल से नहीं निकलने वाले केवल एक जन्म की तपस्या से हम कहें कि हम हमारे पाप क्षय हो जाए नष्ट हो जाए नहीं निकल सकते कदापि भी। इसलिए कब तक पीना है यह अमृत पान कब तक अथात्मादन भागवत तत्व को ग्रहण करना है सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा जब तक कि आलयम प्रलयन हो जाए तब तक जब तक कि परमात्मा विमान लेकर के ना आ जाए और अपना न बना ले तब तक के भक्त लोक में जब तक रहे तब तक पीते ही रहे तब तक पियो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पियो वहां मत पियो यहाँ जाओ वहां मत जाओ नहीं भगवत तत्व को पाने वाला तो हर जगह जा सकता है हर जगह भगवत कृपा हो सकती है स्फूर्ति हर समय जहां भी हो रही है जहां भी जैसा है वही सुना जाए तो माना जाए। अब यहाँ इस स्थान पर हो रही है हम तो वहां जाते नहीं है भाई
तुम नहीं जाते उसको, इसका मतलब भगवान से तुम्हारा द्वेष है। जाते नहीं हो तुम उस व्यक्ति के घर, लेकिन ये तो भगवान का घर है, ये तो भगवान का घर है। भगवान के घर आने में क्या परेशानी है? ना तो ठाकुर जी है, ठाकुर जी बैठे, ठाकुर जी का दरबार लगा, ठाकुर जी का घर है। इसमें तो कोई अगर बगाए भी ना तो भी मत मानो, तो भी आओ जरूर आओ, ऐसा है। तो मैया मेरी प्रार्थना हाथ जोड़ के जरूर कपिल के पैर से आज से एक बात मांगो बस, ये जरूर। और देखो पतिन से भी मेरे कहना है, देखिएगा एक शास्त्र का विधान है, हमारे वृंदावन के संत कहते हैं राजन दास जी महाराज मलुक पीठाधीश्वर है मलुक, वो कहते हैं कभी भी स्त्रियों पर प्रहार नहीं करना चाहिए, कभी भी स्त्रियों पर प्रहार करना नहीं चाहिए, और कभी भी कोई भी वाक्य कटु नहीं कहना चाहिए स्त्रियों से, बिल्कुल भी। जो स्त्रियों से कटु वाक्य बोलता है, जो स्त्रियों पर प्रहार करता है, राम राम, उसके लिए तो क्या बताया है कि मैं क्या कहूंगा। इसलिए इस माताओं को कष्ट में रखना गलत बात है, कभी भी गाली नहीं देनी चाहिए, कभी भी स्त्रियों पर प्रहार नहीं करना चाहिए, कभी भी। इस बात का जरूर ख्याल रखें, हमारे जो देखता लोग माताएं तो बदल जाएंगी, तो मैं भी बदलना होगा, ऐसा ख्याल है, ऐसा मत करना। तो सुबह उठ करके वो चरण छुए और तुमको अरे बड़ी भगतानी बन रही है, हाँ एक दिन तो छूने जैसे तैसे आई और तुरंत टोक दिया और गड़बड़ मामला, ऐसे नहीं कहना, बिल्कुल आशीष आशीष बचा, यही भावना है महाराज की। भगवान कृष्ण कह रहे हैं तत्पर धर्म का पालन करो, जाओ लौट जाओ, लेकिन अब समस्या है संसार में आवरण के पर्दे की, और यहाँ तो कोई शरीर या कोई वस्त्र है ही नहीं, यहाँ तो जीव रूपी गोपियां हैं, गोपियां माने प्राकृतिक, जो इंद्रियों के विषय को त्यागने वाला है, जो संयम को त्याग करके आया है वह है गोपी, और वह तो केवल उसका तो एक ही संसार में पति है केवल परमात्मा, बाकी और संसार रूपी जो माया के बंधन से परे हो गया है उसका तो एक ही पति है, और उसका पति केवल परमात्मा। सुखदेव जी माया के बंधन से परे थे, उन्होंने तो स्वयं साक्षात्कार किया था, वरदान लिया था, कभी गर्भ से बाहर आए, इसलिए शरीर का कोई ख्याल नहीं था, इसलिए निवृत्त रहते थे वो केवल, क्योंकि अपने शरीर का यह कैसा है, नारी कैसी है, पुरुष कैसा है, नारी का स्वभाव कैसा होता है, पुरुष का कैसा होता है, आत्मनिर्भर, कोई पता ही नहीं था उन्हें कैसी नारी क्या है और पुरुष क्या है, नारी और पुरुष में भेद क्या है, यह कोई पता ही नहीं। वो तो केवल चार अंगुल की कोपिन धारण तो तब की थी जब भागवत तत्व को ग्रहण किया, क्योंकि शिक्षार्थी तब तक नहीं हो सकता, तब तक वस्त्र रूपी आवरण वस्त्र को न दिया जाए, तब व्यास जी ने उन्हें चार अंगुल की केवल चार अंगुल की कोपिन प्रदान की, बाकी तो उन्हें अपने देह देवता वस्त्र का कुछ, इसलिए वही जीव रूपी है, वही परमात्मा में है, जैसे संसार का प्रत्याग, जो संसार का प्रत्याग कर दे, जो कि संसार के मोह को खत्म कर दे, वह गोपी है, कृष्ण में हो जाए, भगवान में हो जाए। अब देखिए ना गोपियों ने बहुत प्रयास किया, भगवान से कहा एक बार बताओ प्रभु, चले जाएंगे लेकिन एक प्रश्न का उत्तर दे दो, क्या? एक पतिव्रता नारी थी, उसका धर्म था पति की चरण सेवा करना और उन्हें भोजन कराना करना, बहुत अच्छे ख्याल से, किसी कारणवश उसका पति परदेश चला गया नौकरी करने के लिए, उस चित्रकार से चित्र बनवा कर उसे दे दिया, इसका पूजन करना और अच्छी तरह से उससे अपना भोजन कर लिया, वही कर दिया है। एक दिन की बात, लौट करके पति दरवाजे पर खड़ा और वहाँ जो पत्नी थी उसकी वो चित्र की पूजा कर रही थी, अब ये बताओ उस पत्नी का क्या धर्म है, चित्र की पूजा करे या पति को दौड़ करके दरवाजे से लेकर आए। भगवान ने कहा असली पति आ गया है, चित्र की पूजा की क्या आवश्यकता, अपने पति को दरवाजे से लाए, उसे नहलाए धुलाए खिलाए पिलाए और स्वयं
गोपियों ने चरणों को पकड़ लिया, करुणा वत्सल है यहाँ पर। इसलिए तो हम कहना यह सांसार रूपी जो पुरुष है ना, यह पति है ना, यह चतुर की समान है। इसलिए आप वास्तविक पति मिले हो, आप ही तो हमारे वास्तविक पति हो। इसलिए नकली चित्र समान पतियों को छोड़ दिया, जो वासना का प्रतीक है उसे छोड़ दिया, और आप हमें मिल गए। अब क्यों छोड़ा जाए, जब असली पति मिल जाए तो नकली पति की क्या आवश्यकता है, चित्र रूपी पति की क्या आवश्यकता है। इसलिए भगवान ने देखा है कि गोपियों का पवित्र बिल्कुल अलग है, बिल्कुल पवित्र है, और वासनाओं से परे है, मोह के बंधन से छूटी हुई है, कामनाएं बिल्कुल नहीं है। इसलिए अपना लीला ठीक है। अब क्या करना है, अब राज स्थल में राज प्रारंभ हुआ। देखिए कितना सुंदर राज चल रहा है, एक एक गोपी के साथ दो दो कृष्ण नजर आ रहे हैं। भगवान ने तो अनेक खरदूषण आदि का वध किया था ना, तो आप वही एक शरीर राम के जैसे सब लग रहे थे, एक दूसरे को मार रहे। इसलिए कृष्णमय भगवान कृष्णमय हो गए, अनेक कृष्ण सारी गोपियों के साथ में एक 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 गोपी के साथ दो दो कृष्ण कृष्ण में बड़ा सुंदर राज चल रहा है। देवता लोग आकाश मार्ग से देख रहे हैं, ब्रह्मा बड़ा प्यारा है। आइएगा दो मिनट भगवान की सुंदर सौंदर्य में राज का बड़ा सुंदर भाग। यमुना तट पर राज चल रहा है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे आज रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे आज रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे आज रास रचो है, सभी पावन